ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरेन्द्र कुमार गुप्ता। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 2.9.1 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति क्वेश्चन उपयोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले धीरेन्द्र क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और जो भी वीडियो जा रहे हैं उनको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो ये मानते हैं जमीन है, ये हमारा पेड़ है। ठीक है, और इस पार्ट से टूट जाता है। ठीक है, ये हमारा पेड़ था और यहाँ से टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होगा, ये जमीन से टच होगा, जमीन से टच हो गया। ठीक है, इसको और बड़ा बना लो तब दिखेगा कि ये दोनों बराबर हैं, ऐसे अभी दिख नहीं रहा है। हो गया। ठीक है, और ज़मीन से टच होने पे कितने एंगल का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। और पेड़ का जो ये पाद बिंदु आधार बिंदु है की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी जो है वो 8 मीटर है। तो देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जो नामकरण कर लीजिए इसका, ये क्या है, मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और डी। तो हमें फाइंड क्या करना है, बी डी। हमें फाइंड क्या करना है, बी डी। बी डी कैसे मिलेगा, बी सी में सी डी ऐड कर लें ना। ठीक है, सी डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। समझ में आ गया सब। तो अब क्या लिखें, ठीक है, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है, बी डी। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, बी डी है। ठीक है, पेड़ के आधार बिंदु से दूरी ए बी 8 मीटर ना। ठीक है, ये क्या है, टूटा हुआ पार्ट ना, टूटा हुआ पेड़ है, ये टूटा हुआ पेड़ का भाग। ठीक, ठीक है, पेड़ से पाद बिंदु बी से ए की दूरी यही है ना। ठीक है, तो हमारा ए बी कितना मिला, 8 मीटर हो गया। कोण कितना बना रहा है हमारा टूटा हुआ भाग, बी ए सी कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ना। अब क्या करना चाहिए हमें, देखो बी डी जो गिवन है उसमें दो पार्ट है, एक बी सी और दूसरा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, जब सी से ब्रेक होता है, टूटता है, तो सी डी किसके इक्वल हो गया। ठीक है, जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। ए सी किसके इक्वल होगा, सी डी के ना। ठीक है, तो हम क्या करें, हम बी सी को एच मान लें, इसको एक्स मान लें। ठीक है, बी सी को एच मीटर मान लेते हैं और इसको एक्स मीटर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ हमें नहीं मालूम। ठीक है, दोनों ही चीज़ हमें नहीं मालूम। ठीक है,
मान लो, माना बीसी इक्वल टू एस मीटर एंड एसी इक्वल टू एक्स मीटर, एसी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक। एच फाइंड करना है, एच और ये ए बी, बी सी और ए सी, ए बी तो एंगल 30 के लिए बेस हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया ना, लंब और आधार, ठीक है, हाइट और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तीन दोनों के बीच में कौन संबंध देता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो इन दोनों के बीच में संबंध हमें दिखाता है, टेन, कौन दिखाता है, कौन दिखाता है, टेन ना, ठीक है। तो किस में हम लगा रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, क्या लगाया मैंने, टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी डिग्री क्या हो जाएगा, लंबटे कर्ण, यही ना, लंबटे कर्ण, ठीक। तो कितना होगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना है एच, ए बी कितना है एट, ठीक है। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी हुई, टेन थर्टी इज वन बाय रूट थ्री ना, वन बाय रूट थ्री, ठीक है। तो वन बाय रूट थ्री इजकल टू एच बाई एट ना, ठीक। तो हाइट एच इजकल टू कितना हो जाएगा, एट बाई रूट थ्री, एट बाई रूट थ्री, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको, रिसाइजिंग करना चाहते हो, रिसाइजिंग कर लें यहाँ पे कि बाद में करेंगे, चलो बाद में करेंगे इसको, रखते हैं अभी। यहाँ पर परमीकरण करेंगे ना, रूट थ्री का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, बाद में करते हैं इसको। अब फाइंड करते हैं एसी, एसी फाइंड करने के लिए क्या लगाएं, कॉस लगाते हैं, क्या लगाएं, कॉस थर्टी ना, कॉस थर्टी इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, कॉस थर्टी इज इक्वल टू कॉस थर्टी आधार बटे कर्ण, ठीक है। मीन्स ए बी बाई ए सी, मीन्स ए बी एट बाई एक्स, कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, एट, टू से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और रूट थ्री से डिवाइड, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, सिक्सटीन बाई रूट थ्री, सिक्सटीन बाई रूट थ्री, ठीक है, सिक्सटीन बाई रूट थ्री, ठीक है। तो और क्या करना चाहिए अभी, अब पेड़ की ऊंचाई कितनी है, बी डी है, दोनों को ऐड कर दें, ये यदि हमारा कितना आया, 16 बाय रूट थ्री, तो ये भी कितना होगा, 16 बाय रूट थ्री, एच कितना आया, 8 बाय रूट थ्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी कि नहीं, मिलेगी, पेड़ की ऊंचाई मिलेगी, ठीक है। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो लिखो यहाँ पे सी डी इजकल टू ए सी इजकल टू एक्स इजकल टू 16 बाय रूट थ्री मीटर, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है बी डी, बी डी क्या है, पी सी प्लस सी डी, बी सी कितना मिला हमें, 8 बाई रूट थ्री, बी सी एच के इक्वल है, और सी डी कितना मिला, 16 बाय रूट थ्री, इसके बाद कितना हुआ ये, ऐड करके 24 बाय रूट
थ्री। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेयीकरण, तो इसके लिए क्या करें, रूट थ्री का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये रूट थ्री क्या बन गया, थ्री। तो हम लोग के पास मिला 20 रूट 24 रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से कैंसिल करेंगे ये 8 हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी मिली, 8 रूट 3 मीटर, ठीक है। आए समझ में, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये हमारा आंसर, कुछ तो हम लोग किए नहीं, हमें ये जो पेड़ का आधार बिंदु था वहाँ से ये जहाँ पे भूमि को टच कर रहा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर दे दिया, जो कोण बन रहा था 30 डिग्री वो बता दिया, और हमें पेड़ की ऊंचाई पूछा बी डी। तो पेड़ की ऊंचाई फाइंड करने के लिए हमें बी सी और सी डी दोनों चाहिए, तो बी सी को एच मान लिए, सी डी किसके इक्वल होगा, ए सी के ही इक्वल होगा ना। तो ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना उसमें ये क्या हुआ, इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाया हमने 10 का, इससे हाइट निकल गया h, h कितना निकला था 8/√3 मीटर में निकला था। फिर कर्ण निकाल लिए कॉस लगाकर, तो 16/√3, दोनों को ऐड किए 24/√3 आया, फिर दोनों का परिमेयीकरण कर दिए तो 8√3 आया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है तो स्टूडेंट्स, तो जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है धीरेंद्र क्लासेस, ठीक है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज, ठीक है, जो भी वीडियोज आ रहे हैं सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और यह नोटिफिकेशन बेल होगा उसे ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो होंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।